देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इंजीनियर अर्शद इस्लम। आज मैं आया हूँ फेज़ 4G4 में, ठीक है। यहाँ पर करके मेरे पास प्लाट है 10 मरले का, 35-65, ठीक है। इसके डिमेंशन 35-65 है। अगर इस रोड की बात करें तो ये 40 फुट का रोड है। ये देखें, इसके बैक में भी घर बने हुए हैं, इस पट्टी में भी घर बना हुआ है, ठीक है। ये पीछे भी आप देखें काफ़ी घर बना हुआ है। और फिर ये फिशिंग पार्क है, ठीक, पूरी पार्क है इसको कहते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ग्राउंड लेवल प्लाट है, कोई गहरा नहीं है। 35-65 इसकी लेंथ है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है बैरिया का। ये आगे पीछे सारे घर बन रहे हैं, देख रहे तेज़ी से। ये दोपहर का टाइम है तो ये मशीनरी बैरिया की खड़ी है। देखें मुलाजिम वगैरह खाना वगैरह खा रहे हैं। ये देखें, ये रोड 40 फुट का है, ये सामने प्लाट है, ये वाला पार्क है, ये पार्क है जी। ये सामने प्लाट है हमारा, ये प्लाट है, ये बहुत बड़ा पार्क है। इसको हम कहते हैं टपोरी पार्क। मैं थोड़ा सा अंदर जाके इसको आपको दिखा देता हूँ। ये अगर ये मशीनरी इसलिए खड़ी है क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, खाना वगैरह खाने के लिए ये पार्क में बैठ जाते हैं मुलाजिम। ये देखे साथ ही इन्होंने ये दिया हुआ है अंदर जाने के लिए रास्ता, ये पार्क है। ये देखें पूरे पार्क पे चारों साइड पे दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया हुआ उन्होंने। ये देख, ये तकरीबन 41 कनाल का पार्क है और इसका नाम टपोरी पार्क रखा हुआ है बैरिया ने। ये टपोरी पार्क है और इसके सामने मेरे पास प्लाट है। दूसरी साइड पे भी प्लाट मेरे पास है, जो मैंने प्लाट दिखाया आपको वो प्लाट भी इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, ये दोबारा देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्लाट चाहिए बैरिया टाउन में, बैरिया ऑर्चर्ड में या बैरिया AMC में, तो फिर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिहाइश के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है और इधर रिहाइश आ भी गई है कुछ। पार्क देखें, पार्क इतना बड़ा पार्क है और अप्रूव्ड एरिया, ये अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ, अप्रूव्ड होने के लिए फेज़ 4 किया हुआ है। तो फिर आपको पता, टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। जो भाई लेना चाह रहा है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।